हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले वाला ब्लॉग देखा होगा, वो पार्ट वन था शादी का दिन का, और ये पार्ट टू है। तो हमारे मैरिज हॉल में जो है ना बारात आ चुकी है, तो बस हम लोग स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। और आप लोग देख सकते हैं छोटी छोटी प्यारे प्यारे बच्चे हैं मटकियों में, ये मटकियाँ लेकर आए हैं। इसमें क्या है वो हम आप लोगों को बाद में बताने वाले हैं। खुशियों की सौगात देखो आ गई है, खुशियों की सौगात देखो आ गई। स्वागत हो गया। अच्छी लग रही हूँ, इन्हीं लगा रही हूँ घर पे। नहीं क्या पाई थी बेस्ट फ्रेंड, जवान लेडीज लेडीज निम्मी बैठी हॉल में, निम्मी बैठी हॉल में। नेताजी आए, आओ चलो। ये देखो घर से हम लोग जल्दी जल्दी तैयार होके आए। मेरी दानिया चली गई थी काम से, अब वो इतनी अच्छी थी प्यारी, वो यहाँ पर जल्दी से मेरी ना हेयर स्टाइल कर रही। क्या करे, नहीं हो पाता घर में। मैंने सोचा था कि मैं पार्लर जाऊंगी लेकिन नहीं हो पाया, तो इधर ही कर रही। ठीक है, अच्छा लग रहा है। चलो हो गए फाइनली तैयार, अब नाश्ता पानी चल रहा है सबका। सो गाइस, ये देखिए हमारे बरातियों के लिए चल रहा है नाश्ता। नाश्ते में क्या है, ये पानी पूरी और फ्रूट सैलेड वगैरह है, दही बड़े हैं, करेले हैं और दही जलेबी वगैरह, ये सब नाश्ते के लिए रखा गया है। तो बस सब लोग अच्छे से खाएं। और ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारे घर के ही बच्चे हैं, मेरे चाचा का बेटा है। तो बस हम लोग ये सब लोग लगे हुए हैं और बरातियों के स्वागत के लिए वीडियो ना लें। आपका भी सूट अच्छा लग रहा है। सही, अच्छी लग रही। क्या यार, इसकी सेटिंग गड़बड़ हो गई क्या? क्या होगा, फोटो खींच रहे? हां फोटो खींच रहे लेकिन वो हो गई सलाम ना जी, बैठ गए। सोहेल भाई क्या हो रहा है, नाश्ता करा रहे? और यहाँ पर चल रहा है दूल्हे का नाश्ता। और आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा डेकोरेशन किया है, ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छी लाइटिंग और डेकोरेशन है, बहुत अच्छा लगा ये सब। ओफो, फोटो सेशन हो रहा है, फोटो खिंच रही है। हाँ पड़ा है, तैयार हो गई? हम शादी में आए हैं, कोई नहीं पूछेगा खाने पीने की, जब से बैठी है दरवाजे पे गुस्सा आए तो लौट जाएंगे। कितनी बड़ी बात बोल रही था, कितनी निछावर वाली हो, तो जब सब कुछ निपट जाएगा तब तुम्हें पूछा जाएगा। दे रहे तैयार हो गई दुल्हन, अली से हाय दुल्हन, हाय बोलो। दिल लगी कितने दिल को, दिल लगी ना लगे दिल लगी। हाँ बस बस, मैं आपको यहाँ पे यहीं बिठा लेंगे अंदर, आप बताइए तो नहीं मैं भी लगा। हाँ राजू की बेल दिया, कमरे में लेना नहीं मिल रहा, जा रहे हैं अपनी। चलो चलो कमरे, कौन से कमरे में ले? माना कि तुम खूबसूरत हो, लेकिन इतने भी मतलब हम वो नहीं है कि तुम्हारे साथ फोटो ना खिंचवा सकते।
सो अब हो रही है मेहंदी की तैयारी, जो कि लड़की वाले मेहंदी लेकर जाते हैं, जो सालियाँ होती हैं वो अपने जीजा जी को मेहंदी की जो रस्म होती है वो हम लोग करेंगे। अभी जा रहे हैं तो बस जो ये सामान था तो वो बस हम लगाने लगे हैं थालियों में, जो मेहंदी का सामान होता है, लड़के का जोड़ा वगैरह, मिठाई, हार और पान खिलाने की रस्म होती, तो बस वो सारी चीज़ें हम लोग ने रख ली हैं और हम आपको दिखाएंगे कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता, बहुत ज़्यादा हम लोग ना इन्जॉय करते हैं, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो बस ये देखिए कि थालियों में सब कुछ लगा दिया है और ये सालियाँ, छोटी छोटी सालियाँ, एक एक थाली पकड़ ली है और फिर हम लोग जा रहे हैं। अरे इधर तो देखो सब लोग, हां जी सामने, यहां देखिए सब लोग सामने, ठीक आ जाइए लो, मेरे फोटो खींच लो ना, मैं बैठ रहा हूं, ये ना भी करते ना, इन्हें बेल्ट भी लाते हैं, ये ले जाएंगे, ये लेके जाएंगे, अरे कागज का तो बनो नहीं है कुछ। दिल लगी कितने दिल को दिल लगी ना लगे, दिल लगी कितने दिल को दिल लगी ना सो गाइस अब शुरू हो गया है हमारी मेहंदी का रस्म, जो सालियाँ करेंगी, तो आप लोग देखिए कि किस तरीके से ये की जाती है, बड़ा मज़ा आता है। और ये है मेरी सबसे छोटी बहन, तो बस वो स्टार्ट करेगी, तो सबसे पहले हाथ। सो गाइस ये देखिए ये हो रहा है, नहीं नहीं इस तरह लेकिन मेहंदी, अरे अरे साली बहुत ज्यादा घबरा रही है, डालो हार, डालो, नर्वस हो रही है, देखो हाथ लगा लो हार में, इधर देखो, बाल करो साइड में, हाँ ये साली के मुंह पर बाल आ रहे हैं, अरे पास में कर लो, इधर देखो आप, देखना बाद में, आपने खिलाए, थोड़ा ऊंचा करिए, हमारी तरफ तो देखो, हमारी तरफ देखो, इधर देखो, इधर हां सर क्या ना, आप इधर देखो, ये देखो ये खिला रही है, ये देखो आप इधर, दुला भाई को चक्कर में पान, ये दिखा दे, ये जस्ट लाइक लाइक लाइक, हां तो करनी पड़ेगा, तुम हो किसके जाएगी, ये देखो ये खा लिया, खा लिया चालाकी से, आप इनका गेम खत्म, आप गेम टाटा बाय बाय, बन गया जाओ तुम बाहर, नहीं बोलिए ये आइए सेकंड पास में करना, करते करना सेकंड साली, नहीं खिलाएंगे तो फोटो निकलवाएंगे, तो लो जिम्मी अपी राइट, पीछे पीछे करो, पीछे पास पास में करो, मुझे इधर देखो, इस तरफ आप, आप देखो, ठीक ठीक आप खिला, दिल लगी कितने दिल को दिल लगी ना लगे, दिल लगी कितने दिल को दिल लगी ना लगे, बाबाओ की हम पे तबक हो गई है, बाबाओ की हम पे तबक हो गई समाने
तो हो गई है दूल्हे की मेहंदी और सारी सालियों ने एक करके पान खिलाया, मेरी चाचाओं की बेटी ने, फूफी की बेटी ने, तो सब लोगों ने मिलकर खिलाए पान। और अब है नेक की बारी, तो ये देखिए कि जो भी पता नहीं क्या गिफ्ट है वो बाद में हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या मिला है। तो बस नेक गिफ्ट है, पैसे हैं, जो भी मिला है बस ये सालियों का हक होता है, तो बस ये मिल गया है। और निकाह का टाइम, कैमरामैन थक गए भाई साहब, थक गए यार, तुम नहीं थको यार, तुम थक गए ना तो हमारे फोटो खींचना बंद हो जाएंगे। सो गाइस अब देख सकते हैं आप लोग कि दूल्हा स्टेज पर बैठा हुआ है और ये रहे दामाद और बड़े दामाद, ये हमारे हस्बैंड हैं और हमारे ये छोटी सिस्टर के जो हस्बैंड हैं दिल्ली वाले, तो बस उनकी गोदी भरेंगे मिठाई से और पैसों से। तो ये एक रस्म, और यहाँ देखिए यहाँ चल रही है जूता चुराई की प्लानिंग। तो यहाँ पे ये सालियाँ प्लान कर रही कि कैसे जूता हम लोग जो ना चुराएं, और देखिए तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवमेंट चल रहा है। और यहाँ पे ये गोद भराई चली रही है, साथ साथ इन सालियों ने हाथ साफ कर लिया, फाइनली चुरा लिया जूता। ये देखिए इनके चेहरों पर कितनी खुशी है, और खुश होने की बात ही है कि मुझे जूता चुराई की जो रस्म होती है ना बहुत ही फ़नी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है इस रस्म में, और सालियों को तो खास तौर पर आता ही है मज़ा। तो फिलहाल अभी ये लोग जा रही हैं जूता छुपाने, और फिर इसके बाद आपके निकाह में है, आपने निकाह की हिदायत।
जनाब आदर खान साहब के फर्जन आदर खान का निकाह वकील नदीमुद्दीन की वकालत में गवाह रफी खां और जावेद मोहम्मद की गवाही में मेहर 51,786 रुपये आमिर खान के निकाह में आए। आपके निकाह की हिदायत जनाब आदर खान साहब के फर्जन आदर खान का निकाह वकील नदीमुद्दीन की वकालत में गवाह रफी खां और जनाब जावेद मोहम्मद की गवाही में मेहर 51,786 रुपये आमिर खान आपके निकाह में आए। आपके निकाह की हिदायत खुशियों की सौगात देखो आ गई हाय खुशियों की सौगात देखो आ गई। सो गाइज हो गया है निकाह और अब मैं ना इसके आगे का ब्लॉग में आपको आने वाली ब्लॉग में बताऊंगी, इसके नेक्स्ट वाली ब्लॉग में बताने वाली हूँ क्योंकि ये ब्लॉग वाकई बहुत ही लंबा हो रहा है तो मैं एक पार्ट में आपको नहीं बता सकती। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।